Hey guys, welcome back to the new video. My name is Shubham और आज मैं आ गया हूँ आकाश भाई के पास, जिनके पास अवेलेबल है मारुति सुजुकी इको। आज इको का हम लोग वीडियो करने वाले हैं और ये अवेलेबल है हमारे पास सेल के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कार है हमारे पास ये वाली, क्योंकि तुरंत ही निकल जाती है। बट कोशिश करेंगे आपके पास पहुँचा सके। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो एंड तक बने रहना, सब चीज़ें आपको इसके अंदर पता चल जाएंगी क्या है क्या नहीं सब चीज़ें। तो जरूर से स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल पे नए हो लाइक कर देना वीडियो पे और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे, इससे पहले की और भी वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं वो भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये हमारे पास नई की नई, मतलब फुल टिप टॉप कंडीशन में ऑलमोस्ट न्यू कार रखी है, इको 5 स्टार सीएनजी एसी। और हमारे साथ हैं आकाश भाई है विशाल मोटर्स से, तो इनके पास ही है, बस बढ़िया है। और पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी कार की बनाई थी, लेकिन ये सबसे डिमांडिंग कार आई है, तो हम लोग इसका सोलो वीडियो बना रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा आज। तो गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हो, कितनी ही सुंदर कंडीशन में रखी है बाइक। कार बाइक कभी निकल जाता है कार की वीडियो में, और कार की वीडियो में बाइक निकल जाता है, तो इस तरीके से आप देख ही सकते हो फुल कंडीशन में दिख रही है। 100% टायर मिलेंगे, इंजन परफेक्ट मिलेगा। बाकी मैं अभी पूरे अंदर से आपको गाड़ी खोल खाल के दिखाता हूँ, तो एक बार डिटेल बता दो आकाश भाई। ये है 2019 फर्स्ट ओनर, 2019 34,000 चली हुई पेट्रोल सीएनजी। हाँ, फर्स्ट ओनर 34,000 चली हुई, 34,000 किलोमीटर गाड़ी। एक स्क्रैच नहीं मिलेगा गाड़ी, आप नई लेने जाओगे तो 6 लाख के आसपास पड़ती है गाड़ी। आपको 5.5 लाख रुपए बोल रहा है कस्टमर, उसमें भी कम करा दूंगा। तो 5.5 लाख रुपए प्राइस है, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है अपने हिसाब से, स्लाइटली नेगोशिएबल है, ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि गाड़ी का कंडीशन बहुत अच्छा है और सीएनजी के लिए मतलब 6 महीने की वेटिंग है। राइट, अभी एंट्री है सीएनजी का, अभी 20 के बाद 20 का मॉडल जो आता है ना, 20 का मॉडल। हाँ हाँ, और बाहर से एंट्री नहीं करते, बाहर जो रुक सीएनजी डला था उनकी एंट्री नहीं हो पाती। हाँ हाँ, इसमें एंट्री हुआ हुआ गाड़ी है, एंट्री हुआ हुआ गाड़ी है, बुक के अंदर एंट्री है। और कितना वेटिंग चल रहा है अगर नहीं लेने जाते तो? चार पाँच महीने का वेटिंग चल रहा है ऑलमोस्ट। और खैर गुजरात में तो बहुत ही डिमांडिंग कार है, तो बहुत ज़्यादा ही वेटिंग चल रहा है, और सेकंड हैंड में तो बहुत ज़्यादा मार्केट में इसकी ऐसी कंडीशन की नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोज बनाए ना 2012 2013 2015 मैक्सिमम 2016 की भी थी, पर ये कंडीशन में नहीं थी, ये 19 का मॉडल है। और गाड़ी अब देखो खाली, तो गाड़ी में दिखा देते हैं ओपन करके, खाली देखो अंदर से देखो, तो गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो कितना ही सही है। और कोई भी अगर दरवाजा भी अगर आप देखोगे, कोई भी आवाज नहीं है गाड़ी के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट न्यू होता कोई आवाज नहीं मिलेगी, नई गाड़ी समझो। और दूसरी बात, यहाँ पर फुटरेस भी मिल जाएगा आपको एकदम बढ़िया परफेक्ट कंडीशन में, जो कि आप देख ही सकते हो कितना ही कंडीशन बढ़िया है इसका। अंदर से दिखा देता हूँ मैं, अंदर से देख सकते हो कितना सही इंटीरियर है, टोटल कंपनी फिटेड इंटीरियर है। पीछे का भी हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ से एक बार पूरा खोल देते हैं, इसको भी देखो कितना स्मूथली चला जा रहा है। यहाँ पर भी आपको कुछ गंदगी और या फिर कोई जंग वगैरह नहीं दिखेगा कहीं पर भी, और ऐसी कंडीशन की कार्स आना बहुत मुश्किल रहता है एक्चुअली। ये जो कस्टमर है ना ज़्यादा चलाता नहीं था, राइट। हाँ, स्वामीनारायण का गाड़ी है, भगत का गाड़ी है, पांच इंसान थे इसलिए पीछे सीट भी नहीं डला, पीछे सीट भी नहीं है। हाँ, तो 5 लोगों के लिए 5 स्टार ये वो ही है, 5 सीटर है। अभी सात का भी हो सकता है, पर कहने का मतलब उसका यूज नहीं था। हाँ, उसका यूज नहीं था। 30,000 किलोमीटर चली है, 34,000 यहाँ पर दिख रहा होगा। गाड़ी देखो चालू है, नहीं गाड़ी चालू है, इतना साइलेंट है, इसका आवाज बंद करो। हाँ, नहीं तो वापस वही कॉपीराइट आ जाएगा भाई। हाँ, तो गाड़ी चालू है, रेव दो एक बार देना। हाँ, तो आवाज सुनने मिल ही रही होगी, कितनी सही है, मतलब स्मूथ साउंड कर रही है, मतलब अगर आप रेंटल में भी चलाओगे तो भी बहुत ही मस्त गाड़ी चलेगी, स्मूथ चलेगी, और मतलब अनलिमिटेड ही चलेगी है, तो मतलब 1-1.5 लाख भी चला लो कोई तो दिक्कत नहीं है, बहुत चलती है। यहाँ पर आपको फ्लोर मैट वगैरह भी मिल जाएगा। हाँ, फ्लोर मैट वगैरह भी इसके अंदर पूरा नया डला हुआ है। और डोर का मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा जो डिटेल है डोर का, कंडीशन डोर का, एक भी स्क्रैच नहीं मिलेगा, सब कुछ नया है। यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश मिल रही है देखने के लिए, और ब्लैक कलर का फिनिश यहाँ पर दिख लेता है, ये एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, ठीक है, ये कंपनी नहीं देती है, ये एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। सामने ग्रिल में भी एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, राइट, ग्रिल भी चेंज की हुई है, तो ग्रिल दिखा देता हूँ मैं आपको। कंपनी
सब कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है। देखो ग्रिल कंपनी नहीं देती है, ग्रिल लगाई हुई है, पूरा क्रोम फिनिशिंग लगाया है। यहाँ पर नीचे भी फॉग लाइट के पास लगाया हुआ है। बम्पर वगैरह पे तो मतलब फुल्ली ओरिजिनल है ना, कुछ भी चेंजेस वगैरह तो नहीं है ना। बोले कि गाड़ी के अंदर कुछ भी पेंट है या कुछ भी एक्सीडेंटल है गाड़ी, तो गाड़ी मेरी तरफ से फ्री है। तो भाई फ्री मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं इसके टायर्स की। तो टायर भी आपको 100% टायर कंडीशन आपको मिल जाएगा। कैप वगैरह चारों में इसमें लगा हुआ है, आगे पीछे, पीछे वाले में कैप नहीं है ना, वो तो लान लॉक करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। बाकी कंडीशन आप अंदर से देखो, बहुत ही सही कंडीशन है, कहीं पर भी आपको स्क्रैच वगैरह नहीं मिलेगा। नीचे तो सब क्लीन करके रखते, ऊपर का कंडीशन देखो, मतलब काला वाला या कुछ, मतलब ऐसा कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं है, फटा फुटा नहीं है, कहीं से भी आपकी छत निकल नहीं रही है। काफी सारी उसमें वो दिक्कत हो जाती है कि भाई छत कैसी है। लाइट वाइट सब भाई चालू है गाड़ी की, पीछे देख सकते हो, पीछे मैं भी पूरा डिग्गी खोल के दिखाता ही हूँ, है ना। तो बैक में मैं दिखा देता हूँ कंडीशन। यहाँ पर भी आपको टेल लाइट में यहाँ पर आपको पूरा क्रोम किया हुआ है, और बैक में आपको फुटरेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एक्स्ट्रा लगाया हुआ ये, ठीक है। ये आता नहीं है कंपनी से, कोई नहीं देता, खाली खोखा देता कंपनी, खाली खोखा देती। तो एक बार ओपन कर लेते हैं, हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं पूरा, देखो कितना स्मूथली ओपन हो रहा है, डिग्गी में आवाज नहीं आ रही है, ये ओपन होते है पूरा गेट। एक बार फिर ओपन करके दिखा दो, बंद भी बहुत सही से हो रही है, देखो कितना ही सही हो जाता है भाई ये। मैक ऑडियो के यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं, दो स्पीकर है, आगे भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर पूरा सीएनजी लगा हुआ है। सीएनजी कब लगाया हुआ है, मतलब कितना अभी पुराना है, मतलब समझो ना डेढ़ एक साल पुराना है, डेढ़ एक साल पुराना है, साल मतलब जब से लगा है तब से यही लगा हुआ है ना। कुछ और यूज ही नहीं था, वो बंदे का यूज ही नहीं था, वो कभी कभार 15 दिन महीने में एक बार निकल। तो मैट वगैरह यहाँ पे बिछा हुआ है पूरा, कंडीशन आप देख सकते हो, एकदम चमका के रखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इंजन तो साउंड सुनाया ही है, अभी इंजन ओपन करके भी दिखा देंगे आपको, तो आपको बोनेट भी ओपन करके दिखा देते हैं किस तरीके से क्या काम कर रहा है। बाकी आप बैक से कंडीशन देखो, कंडीशन आपको पता चल जाएगी गाड़ी की कितनी। दो चाबियां मिल जाएंगी, देखिए दो चाबियां इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, बाकी पूरी गाड़ी मिल जाएगी। इधर से आपको, इधर से भी आपको मैं कंडीशन दिखा देता हूँ, क्योंकि एक साइड से दिखाइए, यहाँ से भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये कंडीशन है गाड़ी की, यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये वाली ओपन करना पड़ेगा अभी, पहले आप तक बोनेट दिखा देते हैं। इसका पैसा है कंडीशन का, कंडीशन देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको कहीं पर भी जंग नहीं मिलेगी, देख सकते हो बहुत ही सही कंडीशन है, यहाँ पर पूरा दिख जाता है। नीचे देखो कोई भी दिक्कत नहीं है स्टेप निकली, यहाँ पर आपको पूरा किट मिल जाता है, ठीक है। इंजन वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है, सी एन जी का वगैरह, ये सी एन जी करके लिए ना, ओपन होता है, हाँ हाँ। तो ये सब आपको देखने मिल जाता है, कंडीशन आप देख सकते हो क्या चमक के रखी हुई है। दादा ये कंडीशन की गाड़ियाँ मिलती नहीं है, काफ़ी बहुत कम मिल जाती हैं, बहुत खुद को नहीं मिलती, कोई तो मार्केट में आती ही नहीं है, वो निकल जाती है भाई बहुत जल्दी। तो इस तरीके से कोई बात नहीं, बंद कर दो इसको। तो ये भाई इको, अब बात कर लेते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ, बात कर लेते इसके खरीदारी के कैसा सीन रहेगा। 5.5 लाख रुपये कस्टमर है, हाँ उसमें आगे पीछे हो जाएगा, 5.5 लाख रुपये प्राइस है, और आगे पीछे हो जाएगा, लोन भी हो जाएगा, लोन भी हो जाएगा, गुजरात के अंदर का जो भी होगा उनका लोन हो जाएगा, आपके सिविल के ऊपर, हाँ सिविल के ऊपर, मतलब 1 DP 1 लाख रुपये DP भरोगे, सिविल अच्छा होगा तो लोन पूरा हो जाएगा, लोन हो जाएगा 1 लाख रुपये DP में हो जाएगा, बाकी पूरा लोन करा देंगे। आपके सिविल पे भी, सिविल के ऊपर डिपेंड है कितना लोन आता है, मतलब मिनिमम 1 लाख रुपये तो डाउन पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, बाकी उसके ऊपर हो जाएगा। बाकी गाड़ी का कंडीशन आप देख सकते हो बहुत ही सही है, कॉल कर सकते हो। ऐसा कंडीशन दूसरे डीलर के पास होगा गारंटी में। 16 मॉडल लोग 16 का मॉडल 4 लाख में, 3.5-4 लाख में बेचते हैं। ये 19 का मॉडल है, मतलब कुछ ज़्यादा पुराना भी है, ज़्यादा चला भी नहीं है, कंडीशन हाँ। आपको सारी दिखाई दी है, ऐसा कंडीशन में मिल जाएगा, फिर सस्ता भी नहीं मिलेगा ना, हाँ सस्ता नहीं मिलता, मॉडल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से होता है। तो नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कॉल कर सकते हो आप, डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोले।